स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने बच्चों ऑलरेडी 13.1 एंड 13.2 कंप्लीट कर ली है, तो आप उसको देख सकते हैं। और बच्चों आज का जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन टू अनदर, है ना? ओके तो कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक में हमने करना क्या है। तो बेटा एक्चुअली देखो बात करते हैं, आपने एक कैंडल देखी होगी बेटा। कैंडल की जनरली शेप कैसी होती है बेटा? सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना। कैंडल किससे बनी होती है? बेसिकली वैक्स से बनी होती है। अगर आप उसको मेल्ट कर देते हो और मेल्ट करके आप उस वैक्स को किसी भी शेप की उसमें मतलब डालते हो, जैसे कि एक आपके पास डब्बा है जैसे कि क्यूबॉइड शेप का, और आप उसको मेल्ट करके सारा वैक्स उसमें डाल देते हो, देन वो हार्ड होके कैसे किस शेप का हो जाता है बेटा? मेल्ट होने के बाद वो कैसा हो जाएगा? फिर क्यूबॉइड शेप का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसी तरीके की हमने क्या कहते हैं सॉलिड्स के बारे में स्टडी करनी है इस इंट्रो में। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक चीज से दूसरी चीज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उस सॉलिड को। तो इन दैट केस एक छोटी सी बात बताइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि एक कैंडल है ना। तो बेटा कैंडल किससे बनी थी? वैक्स से बनी थी, और जितना वैक्स उसमें लगा था वही सारा वैक्स मेल्ट करके दूसरी चीज में मैंने उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, लाइक क्यूबॉइड बना दिया। तो बेटा इन दैट केस क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है बेटा। जितना वैक्स यहां पे था उतना ही वैक्स यहां पे है, तो क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं है। तो इन दैट केस वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि पेज नंबर 249 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए पेन कॉपी एनसीईआरटी बुक लेके। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। तो एक कोन है, चलो साथ साथ फिगर भी बना लेते हैं। ये रहा एक कोन जिसकी आपको हाइट 24 और बेस की रेडियस भी गिवन है। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार पहले ड्रॉ कर लूं इसको। तो इसकी हाइट बेटा कितनी दे रखी थी? 24 सेंटीमीटर ये हाइट होती है, आपको ये तो पता ही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। और रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई, तो रेडियस कितनी है बेस की? 6 सेंटीमीटर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके आगे कहता है इट्स मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। क्ले जानते हो ना बेटा, एक मिट्टी होती है जो रंग बिरंगी होती है जिससे बच्चे जनरली खेलते हैं, शेप्स बनाते हैं, आप जानते हो, मुझे पता है यार आप जानते हो क्ले को, ठीक है। तो उससे ये मतलब बना हुआ है ना। कहता है कि अ चाइल्ड reshapes it in the form of a sphere, और एक बच्चा जो है इसको reshape देता है किसकी? sphere की। sphere समझते हो ना बेटा, एक गोला। तो इस क्ले से पहले ये बना था, अब इसने इससे एक sphere बना दिया है, like this, okay। तो sphere में ये radius होती है बेटा, ये भी radius होती है, okay। तो अब इसके बारे में क्या बोला गया है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आपने इस स्फीयर की रेडियस बताने, मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। तो देखते हैं बेटा फटाफट से। देखो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी क्वांटिटी यानी कि सेम क्ले इसमें लगी थी और वही क्ले इसमें लगाई गई है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्ले है यानी कि मिट्टी जो है वो कम तो नहीं हो गई बेटा? जितना वॉल्यूम मतलब यहां पे था उतना ही वॉल्यूम यहां पे रहने वाला है, इतना अंडरस्टूड है। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों को इक्वेट करेंगे हम, रेडियस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, फटाफट से चलिए देखिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटे? 4/3
पाई आर, सॉरी आर यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर से डिनोट किया है मैंने, है ना, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर ही आप रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूले में पाई आर क्यू। और इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी जो डायमेंशन है उसको मैंने स्मॉल लेटर में डिनोट किया, ठीक है। ओके, अब देखिए बस आपने यहां से आर कैलकुलेट करना है। यार देखो ये पाई से तो पाई गया पहले, तीन से तीन भी गया, अब जो बचा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो रह गया बेटे आर क्यूब, यहाँ पे क्या रह गया आर स्क्वायर, इस आर की वैल्यू है मेरे पे 6, चेक कर लो। तो 6 को दो बार लिखूंगा, और एच की वैल्यू भी है 24, वैसे है ना, और तो कुछ नहीं। और अपॉन में क्या था बेटा, ये 4 बचा हुआ था, तो ये 4 अपॉन में रहेगा, और 4 6 24, तो आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 6 का क्यूब, चेक कर लो। तो जब पावर इक्वल है तो बेस ऑल्सो इक्वल, सो देयर फोर आर कितने आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है ना। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, जो कि सेम पेज नंबर 249 एनसीईआर की है। तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बड़ा सा, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, आप भी ध्यान से देखिए, है ना। तो कहता है कि सेल्वी हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि जो सेल्वी का घर है उस पे उसके पास एक टैंक है जिसकी शेप कैसी है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप है। ओवरहेड टैंक मतलब जो टेरिस पे जनरली रखते हैं, आपने देखे होंगे, है ना, ठीक है। तो चलो साथ साथ एक फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस, ये मान लेते हैं ओवरहेड टैंक, ओके। और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहते हैं कि दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प, यानी कि ये जो है फिल किया जाता है पंपिंग वाटर फ्रॉम द सम्प, सम्प यानी कि एक और टैंक है, उसके बारे में मैं अभी पढ़ रहा हूं आगे, विद इन ब्रैकेट पढ़ देता हूं पहले, विद इन ब्रैकेट अंडरग्राउंड टैंक, ये एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, जनरली आपने देखा होगा जो बेसमेंट में जनरली बनाया जाता है, जो वाटर को मतलब स्टोर करने के काम आता है, और फिर यहां से वाटर जो है आपके ओवरहेड टैंक में ट्रांसफर करते हैं, देन उसके बाद आपके सारे टैप्स में पानी सप्लाई होता है वहां से, है ना। तो बेसिकली ये वो है ना। अब सम्स के बारे में आगे पढ़ते हैं, सम कहता है कि विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, ये किस शेप का है बेटा, जो सम्प है यानी कि अंडरग्राउंड जो टैंक है वो किस शेप का है, विच इज शेप इन क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड शेप का है, तो एक क्यूबॉइड बना लेते हैं बेटा जनरली, लाइक दिस, ये इस शेप का बेटा क्यूबॉइड शेप का, है ना। ओके, आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है बेटा, आगे देखते हैं, कहता है द सम्स हैज डायमेंशन दिस इनटू दिस इनटू दिस, और इस सम की जो डायमेंशन है वो आपको गिवन है, और मैं इसको मार्क कर देता हूं, दैट इज एल, है ना, और ये बी यानी ये ब्रेथ, और ये हाइट होगी अपनी, ओके। तो इसकी डायमेंशन एल आपको दे रखी है 1.57 mm, दैट इज मीटर, और इंटू 1.44 यानी कि ब्रेथ इसकी है 1.44 meter, ओके, और हाइट इसकी 95 centimeter है, ओके, ये सेंटीमीटर में, है ना, ओके, इस बात का ध्यान रखना बेटा। आगे कहता है द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 centimeter, और जो ओवरहेड टैंक है दैट इज दिस, इसकी रेडियस आपको 60 centimeter दे रखी है, यानी कि ये वाली रेडियस होती है ना बेटा, तो रेडियस आपको इसकी 60 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। आगे क्या लिखा है बेटा, आगे क्या लिखा है, कहता है कि रेडियस 60 सेंटीमीटर का एंड हाइट 95 सेंटीमीटर, और इसकी भी हाइट 95 सेंटीमीटर की ही है, ओके। तो इसकी हाइट को मैं अलग डिनोट करना चाहूंगा, क्योंकि ये एच लिया है तो मैं इसको अलग से लूंगा, है ना, तो चलो कैपिटल एच ले लेता हूं, सेम नहीं रखते हैं, 95 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ओके। तो ये वाली है छोपड़ी, ओके। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, 95 सेंटीमीटर का आगे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द शंप, यानी कि इस शंप में कितनी हाइट तक पानी अभी बचा हुआ है ये बताना है आपने, लेकिन कब, आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द शंप, यानी कि जब इसमें से
जब इस शंप में से पानी इसमें शिफ्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया, तो ये पूरा फिल हो गया, ये पूरा भर गया, लेकिन ये बहुत बड़ा टैंक है तो इसमें पानी बचा रह जाएगा ना बेटा। और ये पूरा भरा हुआ था, पहले पूरा भरा हुआ था, लेकिन अब जब इसमें से पानी इसमें ट्रांसफर हुआ तो अब मान लो कि ये पानी इतना रह गया है, इतना, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इसमें पानी अभी इतना लेफ्ट है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है उस चीज पे ध्यान देते हैं, इतना पानी अभी इसमें लेफ्ट है। अच्छा, आपसे यही तो बोला गया कि किस हाइट तक पानी लेफ्ट है, आपने ये बताना है ना। तो मैं मान लेता हूं कि एच डैश तक लेफ्ट है पानी, है ना, है ना, तो ये हम मान लेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, कंप्लीटली फिल द वॉटर फ्रॉम द स्टंप विच हैड बीन फुल। कहता है कि कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द स्टंप। तो आपने कंपेयर करनी है इनकी कैपेसिटी को, और जो आपसे मांगा गया है एक बार और उस चीज को दोबारा पढ़ देते हैं। कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉटर लेफ्ट इन द स्टंप, है ना। तो लेट मैं यहीं पे लेट कर लेता हूं, लेट द हाइट of the water left in the sump b, यहां पे नीचे लिखा हूं h dash, इसको मैंने हाइट को h dash मान लिया है। अब देखो थोड़ा सा है ना, सिचुएशन को फील करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सिचुएशन को फील नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। और हाँ, एक बात और बोली, इन्होंने पाई के लिए बोला 3.14 लेने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखो, फील करो यार, एक बार बताओ, इसके अंदर पूरा पानी था, बिल्कुल था, इसमें से पानी इसमें डाल दिया, ठीक है, अब बचा हुआ पानी इतना है, तो आपने कितना हाइट तक पानी बचा हुआ है वो बताना है। यार देखो थोड़ा सा फील करके देखो, एक बार बताओ, इसके अंदर जो बचा हुआ पानी है ना, इसके अंदर जो बचा हुआ पानी वो किसके इक्वल है, यार इसके अंदर जो भी बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, ये बात है। तो अब इस चीज को हमने निकालना है कि भैया इसके अंदर जो बचा हुआ पानी है वो किसके इक्वल है। अगर हमें एक इक्वेशन बन जाती है तो हम इस क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फील करते हैं, देखो फील करते हैं यार, एक बात बताओ, देखो एक मान के चलो, इसके अंदर मान लो, दो मिनट के लिए मान लो कि इसके अंदर 100 लीटर पानी था, मान लेते हैं, और इधर इसने इसको ट्रांसफर कर दिया 30 लीटर, तो बेटा इसके अंदर लेफ्ट वाटर कितना आ गया, लेफ्ट वाटर आ गया 70 लीटर। ये बात समझ में आई बेटा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने इक्वेशन बनानी, देखो ये तो सिचुएशन मैंने ली है आपको समझाने के पर्पस से, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब सिचुएशन समझते हैं कि मैं इसको कैसे मतलब कैलकुलेट करूं। या तो देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर वाटर लेफ्ट कितना है, 70 लीटर है ना, वो मैं कैसे निकालूंगा, वो जाहिर सी बात है इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। भाई इस पूरे टैंक में जितना भी पानी था उसमें से अगर मैं इस टैंक का पानी माइनस कर दूं तो बचे हुए पानी का वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा, और देख लो 100 में से 30 गया तो 70 के इक्वल आ जाएगा। तो बस आपको ये इक्वेशन मिल गई, इसका फटाफट से यूज करेंगे। देखो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार हम ये कह सकते हैं कि बेटा किस चीज का बेटा वॉल्यूम लेफ्ट वाटर इन द सम, है ना, यानी कि लेफ्ट वाटर जो है वो, तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन द सम इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, इस पूरे के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को माइनस करके, है ना, यही बात थी। तो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ शंप, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो व्हेन इट इज फुल, जब ये फुल था, है ना, तो व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर, है ना, जब ये वाटर से पूरा भरा हुआ था, और इसमें से माइनस कर दिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई सिंपल सा लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओके। तो अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखी है मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं, हटा देता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं, जिससे कि इससे आपको डाउट ना हो, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको इस इक्वेशन के पर्पस से समझाया था जो आपको दिख रही है। अब देखो फील करना बेटा, ये किस चीज का वॉल्यूम है बेटा, जो इसमें बचा हुआ पानी है। अच्छा पानी की शेप कैसी होती है बेटा,
पानी की शेप, आप पानी को जिस चीज में डालते हो ना, पानी उसी की शेप ले लेता है। अगर आप उसको ग्लास में डालोगे तो सिलेंडर की शेप का आ जाता है पानी, है ना। अगर आपने इसमें डाल रखा है पानी तो क्यूबॉइड की शेप का होगा, जाहिर सी बात है। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ तो चेंज नहीं हुई, लेकिन हाइट में चेंज आया बस, है ना। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर निकालूं तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एल इंटू बी। ये तो दोनों सेम थी, लेकिन एच की जगह एच डैश आ जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। हाइट तो इतनी है ना जो बचे हुए पानी की, ओके। तो इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ शब, अब इस पूरे का वॉल्यूम ले रहा हूं तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। इसकी एच को एच से ही डिनोट किया था, है ना। और इसमें से माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और इसकी एच को मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया था, तो कैपिटल एच लिख देता हूं। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अभी छोटा सा काम कर लेते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको छोटा सा काम क्या है, कि आप देख रहे हो सारे के सारे मीटर और सेंटीमीटर में चल रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि आप सबको, है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आप पॉइंट से कहीं ना कहीं बच जाओगे, है ना। तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करूंगा बेटा, 100 से इंटू करके, तो ये कितना हो गया 157 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 144 सेंटीमीटर, और ये सारे तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, है ना। सेम यूनिट होनी चाहिए क्योंकि कंपेयर करने के लिए। अब देखो एल कितनी है, एल कितनी है 157, चेक कर लो। इंटू बी कितनी है, बी फॉर ब्रेथ 144। इंटू एच डैश तो हमें कैलकुलेट करना है ना भाई, यही तो निकाल रहे हैं, यही तो हमारा क्वेश्चन है, ओके। अब यहां पे L कितनी है, सेम 157, B कितनी है, सेम 144, और ये वाली H आपको गिवन थी 95, चेक कर लो। और माइनस पाई के लिए आपसे बोला था 3.14 लेने के लिए, और R4 रेडियस कितनी है 60, तो दो बार ही आएगा 60, और इंटू एच इसकी 95 है, ओके। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो हमें जनरली कोशिश करनी चाहिए कॉमन चीजें लेने की, मैंने आपको बता रखा है कॉमन चीजें लेने से कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले यहां से पॉइंट हटाता हूं, दो जीरो आएंगे, है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई, मैं इसको दो से काटने वाला हूं। देखो क्यों काटने वाला हूं, आपको बेनिफिट दिखाऊंगा, क्योंकि सेम बन जाएगा ना, मेरे को पता है। देखो टू वन टू, एक इधर गया तो दो पंजे दस, दो सत्तर चौदह, सेम बन गया ना, बन गया। अभी कॉमन आ जाएगा इजीली, इसलिए मैंने करा। अब दो से ये काटा तो ये भी काटूंगा तो 50 बारी में जाएगा। अब पांच से एक जीरो एक कट गया, और पांच से ये भी कट जाएगा, या इसको मत काटो, इसको मत काटो, क्योंकि 95 भी कॉमन आ जाएगा ना। अब इसको ऐसे रहने दो, इसको मत काटो, बस एक जीरो ही काट दो, उतना ही काफी रहेगा। तो अपन पांच छोड़ देते हैं फिलहाल, और पांच छोड़े भी, क्योंकि ये भी तो कट रहा है पांच से, तो पांच बारह पंजे साठ होता है, ये कट गया, ओके। अब देखिए ध्यान से भाई, अगर मैं बात करूं एच डैश की, तो देखो इसमें से 157 बाहर आ गया, ध्यान देना बेटा, 144 तो बाहर नहीं आएगा, है ना, और 95 बाहर आ गया। मैंने 50 कहां से लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने 95 की जगह 50 लिख दिया गलती से अभी, है ना। तो एक 95 बाहर आ गया, दैट्स इट, इतना तो पोर्शन बाहर आ चुका है। अब अंदर क्या बचा बेटा, अंदर क्या बचा है, ध्यान से देखेंगे, ये गया तो 144 बचा है यहां से, है ना, ओके। माइनस यहां से 157 बाहर गया, तो यहां से 12 बचा है, और 12 के साथ साथ ये वाला 6 बचा है, और 95 बाहर गया। एक बार चेक करते हैं, देखो ये बाहर चला गया, ये मैंने लिख दिया, ये 6 लिख दिया, 95 बाहर चला गया, और अपॉन में कुछ नहीं बचा था, सब कुछ कैंसिल हो चुका था, और ये इनटू से डिवाइड में लेंगे दोनों टर्म्स। तो यहां पर डिवाइड में क्या गया बेटा, एक तो 157 और एक 144, एक बेनिफिट हमें ये भी मिल गया, ये भी कैंसिल हो गए, ओके। तो फाइनली एच डैश इज इक्वल टू वॉट 95 तो एज इट इज, और इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखो बेसिकली 12 6 72 है, और 144 में से अगर मैं 72 को माइनस करूं तो 72 ही आता है, चेक कर लो, 4 में से 2 गया 2 बचा, 14 में से 7 गया 7 बचा, तो यहां पे 72 आ जाएगा माइनस करके, और अपॉन में क्या बेटा 144, और 72 टू 144 होता है, अभी भी हमने देखा उसका दोगुना होता है, तो दो बारी में कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो H डैश बेसिकली 95 बाय 2, यहां तक इतने सेंटीमीटर। अब आंसर बेसिकली इसको चेक कर लेते हैं, हम मीटर में छोड़ा है, वैसे तो मीटर में छोड़ा होगा आंसर, हाँ जी मीटर में ही निकाला है आंसर, तो एक बार मैं इसको मीटर में ही लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अगर मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सेंटीमीटर ये इतने सेंटीमीटर है ना, अगर मैं इसको मीटर में लेके जाऊंगा तो 1/100 भाई 100 से डिवाइड करते हैं ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं तो
तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एच डैश इक्वल टू। बच्चों एक्चुअल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने क्योंकि अभी जब देखा था कि मीटर में कन्वर्ट है या किसमें, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये आंसर हमारा ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि आंसर में आई थिंक सो कि 1/2 लिखा है, यानी कि हाफ, लेट मी चेक, बिल्कुल हाफ लिखा है, तो आधा पानी रहना चाहिए था, बट हमारा हाफ नहीं आ रहा, हमारा देखो कहीं ना कहीं 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। तो हमने कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं कर दी गलती से, वैसे लग तो नहीं रही है कहीं पे भी कोई मिस्टेक की है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं एक बार निगाह मार लेता हूँ, 157.95 आ गया, 144 अंदर रह गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद 157 चला गया, 95 चला गया, ये 12 बचा है और ये यहाँ पे 6 बचा है, एक जीरो ये कट गया था और 6 बचा था, 5 से 12 पंजे 60 होता है और 12 6 72, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आई एम श्योर कि कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली वैसे ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि थोड़ा सा चेंज बेसिकली क्यों आ रहा है। नहीं, एक्चुअल में नहीं आ रहा बेटा, सही आ रहा है, ना 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 ना, एक्चुअल में सही आ रहा है, इट्स माय मिस्टेक। देखो एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैं नहीं, ये काम एक्स्ट्रा किया था, मैं इसको हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, और मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आ रहा है, देखो चेक करेंगे, 2 से 4 बारी में, भाई 4 × 2 = 8 होता है, और एक इधर गया तो 2 × 7 = 14 बचा, 1 में पॉइंट लगाया 2 × 5 = 10 है ना, तो 47.5 सेंटीमीटर, और ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, हमारा इतना ही आ रखा है बुक में भी, लेकिन 1/2 क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं कि आप तक कुछ और भी पूछो, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम, लेट मी चेक एक बार, मैं क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं कि कहीं क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं बोला था, बेसिकली आंसर तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन दिस सम आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन दिस सम आफ्टर द ओवर, नहीं 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 बच्चों, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में भी 47.5 यहां तक तो बिल्कुल इन्होंने भी किया है, लेकिन उसके बाद ऑल्सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक और कैपेसिटी ऑफ द सम्प इन्होंने जब निकाला है तो वहां पे इन्होंने 1/2 कर दिया है, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं उसके रीजन की बात करूं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है, हाइट तो बिल्कुल, क्योंकि मांगी तो हाइट ही थी आपसे, और तो कुछ मांगी नहीं थी, नहीं क्वेश्चन में तो यही मांगा था। तो देखो इन्होंने पता है क्या किया लास्ट में है ना, इन्होंने बेटा कैपेसिटी को है ना कंपेयर कराया कि मतलब इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, क्या पता कंपेयर कर रखा हो, बोला हो कंपेयर करने के लिए और मैंने क्वेश्चन को ध्यान ना दिया हो, दोबारा से मैं पढ़ देता हूं फाइंड से, तो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प, वो मैंने निकाल दिया, After the overhead tank has been completely filled, वो बात ठीक है। अब कहते हैं कि with the water from the sump which had been filled, अच्छा हाँ last में एक बात लिखी है बेटा, actually वो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने ignore कर दिया था, last में इन्होंने ये बोला कि compare the capacity of the tank with that of the sump, यानी कि compare करनी है आपने capacity किसकी बेटा, of the tank with that of the sump, यानी कि टैंक की कैपेसिटी आपने कंपेयर करनी है किसकी कैपेसिटी से, सम की कैपेसिटी से, तो टैंक की कैपेसिटी ये है और सम की कैपेसिटी ये है, तो एक चीज और मांगी है उसको भी फाइंड कर लेते हैं, तो ऑल्सो यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑल्सो कैपेसिटी ऑफ द, पहले सम बोला था या टैंक ये सुन देख लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक बोला है ना, तो टैंक और अपॉन में कैपेसिटी ऑफ द सम, ओके, तो देखो कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, बात ये है ना कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है,
अब टैंक में कितना पानी है भाई, देखो ना चेक करो, एल बी एच ही तो पानी है, तो एल कितनी है इसकी चेक कर लेंगे। देखो एल कितनी थी 157, बी कितनी थी 144, चेक कर लो ठीक है, और एच कितनी थी, एच 95 थी भाई। अभी तो पूरा ले रहे हैं, पूरे टैंक की कैपेसिटी बोला है ना, लेफ्ट वाटर की थोड़ी ना बोली है, और अपॉन में इसकी कैपेसिटी, इसकी किसकी कैपेसिटी बेटा, इस टैंक की, तो पाई आर स्क्वायर है। अब पाई 3.14 था इंटू आर स्क्वायर यानी कि 60 × 60 था, इंटू एच इसका 95 था, चेक कर लो। अब देखो 95 से 95 कैंसिल हो गया, यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूं दो मिनट के लिए तो ऊपर दो जीरो लगा सकता हूं, और ये दो जीरो भी इन दो जीरो से कैंसिल हो गए। अब देखो 157 को टूजा करूंगा तो 314 आता है, तो ये भी कैंसिल। अब बेसिकली बचा क्या है, दो और ये 144, तो दो से इसको भी कैंसिल कर देता हूं, दो से सात बारी में और दो बारी में। अब छह से ये भी कैंसिल हो जाता है, छह कम छह और एक इधर गया तो छह दुनी बारह, फिर से छह से कैंसिल हो जाएगा तो छह दुनी बारह। तो बेसिकली बचा क्या है, आई थिंक सो कुछ भी नहीं बचा है ना, जस्ट मिनट, कुछ बचा तो नहीं है ना, नहीं कुछ भी नहीं बचा है। तो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये टू और ये वन आ रहा है, यानी कि 2:1 आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि टैंक को सम से अगर कंपेयर करते हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये इसका दुगना है ना, डबल है, यानी कि जो ये जो टैंक है ये क्या है बेटा, हाफ है सम्प का, हाफ है सम्प का, यही तो कंपेयर करने को बोला था ना, ठीक है, तो ये हाफ है किसका बेटा, सम्प का, ठीक है। और सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यार, जल्दबाजी में छोटी सी मिस्टेक हो गई, जस्ट मिनट। देखो मैंने ना टैंक का फॉर्मूला नीचे लगा दिया और सम्प का ऊपर लगा दिया, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा फटाफट से रिकैलकुलेट कर देता हूं मैं। देखो टैंक क्या था बेटा, टैंक था वो, यानी पाई आर स्क्वायर ऊपर लिखना था मेरे को, पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 60 × 60 इंटू एच 95 है ना, और अपॉन में ये सम का लिखना था, तो मैंने उल्टा कर दिया था एक्चुअली ना, तो 157 इंटू में 144 इंटू में 95, तो 95 तो वैसे ही कैंसिल, और ये अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ये दो जीरो कट जानी है, आपको पता ही है, ये टू टाइम्स में कैंसिल हो गया, और टू से ये 72 टाइम्स में कैंसिल हो गया, छह से छह कम छह, छह दूनी बारह और छह दूनी बारह, तो 1/2 ये आ रहा था बेटा, मैंने 2/1 कर दिया था। तो यानी कि अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो देयर फॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, देयर फॉर, चलो मैं लिख देता हूं, देयर फॉर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, सॉरी ऑफ द सम्प, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है जो टैंक की कैपेसिटी है वो सम्प की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आधी है, हाफ है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया, थोड़ी घिचपिच भी हो गई हल्की सी मिस्टेक की वजह से, बट कोई नहीं, इट्स ओके, आप लोग तो थोड़ा सा ध्यान से बस इसको समझने की कोशिश करें और फटाफट से वीडियो को पॉज करके देखते हैं। बच्चों एग्जांपल नंबर 10 जो कि पेज नंबर 250 एनसीईआरटी है, ये क्वालिफाई हो गया 250 पेज के लिए ना, तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी लग रहा है, छोटा सा ही है। कहता है कि अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, देखो एक कॉपर रॉड है, रॉड समझते हैं ना बेटा, है ना, तो कॉपर रॉड है उसकी, चलो बना लेते हैं एक फिगर छोटी सी, लेट्स सपोज ये एक रॉड है ना, ओके, और इसका आपको लेंथ दे दी है आई थिंक 8 सेंटीमीटर बोला गया था क्वेश्चन में, हाँ जी 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एच जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, और आपसे बोला गया था कि इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है, तो d इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज r इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर है ना, ओके। अब आगे क्या लिखा है बेटा, कहता है कि इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर, तो इसको रिकास्ट करके मतलब मेल्ट करके कुछ भी मान लो, क्या बनाया जाता है बेटा, एक वायर बनाया जाता है, तो वायर जैसी होती है आपने देखी बेटा, है ना, पतली सी, तो फिलहाल आप फील कर सकते हो कि ये एक वायर है, मान लेते हैं ना, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, और मैथ्स में तो सारी चीजें माननी पड़ती है। इसकी लेंथ आपको बोलिए 18 मीटर, मतलब ये बहुत लंबी है, 18 मीटर तो और ज्यादा लंबी है, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंगली मैंने बनाई है, तो इसकी एच जो है वो 18 मीटर है, ठीक है। अभी ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, इस बात का भी ध्यान रखना बच्चों। अब आगे क्या लिखा है, 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, और इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म मतलब सब जगह से इक्वल है ना, ये कह सकते हैं। कहते हैं कि फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, तो वायर की थिकनेस बतानी है। यार एक बात और, लेट सपोज के मार्कर है, ये एक वायर होती तो ये कितना मोटा है, यही चीज ना, तो ये मोटा कितना है बेटा, इसके डायमीटर पे तो डिपेंड करता है ना कि इसका डायमीटर कितना है, तो बेसिकली इसका डायमीटर आपसे मांग लिया गया है, ठीक है। तो इसका डायमीटर आपसे मांग लिया गया है, लेट सपोज मैं उसको डी डैश से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि मैंने डी यहां पे ले लिया है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो आर डैश से डिनोट कर दे, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि इस रॉड से ही तो ये वायर बनी है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम जैसे कि मैंने समझा रखा है आपको सेम रहेगा, है ना। तो चलिए फटाफट, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ रॉड या कॉपर रॉड कुछ भी लिख लो, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, है ना। ओके, तो देखो कॉपर रॉड का वॉल्यूम बेटा पाई आर स्क्वायर एच, भाई डायमेंशन इसकी ऐसे डिनोट किया ना, हाँ मैंने एच लिखी, हाँ लिखी तो है, ओके इक्वल टू इसका वॉल्यूम भी क्या होगा पाई आर, इसकी आर को आर डैश से, तो आर डैश स्क्वायर है ना, और एच को कैपिटल एच से डिनोट किया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए सबसे पहले बाय बाय हो गया पाई, आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वन ओवर टू है, चेक कर लो, 1/2, और एच की अगर मैं बात करूं तो एच बेसिकली 8 है यहां पे, और यहां पे आर ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली हम, क्योंकि आर आ जाएगा तो डायमीटर आ जाएगा, और इसकी एच आपको 18 मीटर दे रखी है। अब मैंने बताया ना कि ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो फिर से समस्या बेटा खड़ी हो जाएगी, आप लोग इस चीज का ध्यान रखें बेटा, ठीक है। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में भलाई है, तो सेंटीमीटर में कितना आएगा 1800 सेंटीमीटर, भाई 100 से इनटू कर देंगे इसको, तो क्या मैं यहां पे 1800 लिख दूं, है ना। ओके, अब ध्यान देंगे, तो इट इंप्लाइज आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर, मतलब देखो ये डिवाइड में रहेगा, अब ऊपर क्या है बेटा, ऊपर 1 × 1 × 8 यानी कि 8 ही है, ओनली 8 है, और नीचे क्या है 2 × 2, और ये बी अपॉन में आएगा, तो 1800। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 से 4 बारी में और 2 से 2 बारी में कैंसिल हो गया, अब फिलहाल इन दोनों को भी फर्दर मैं काट सकता हूं 2 से, है ना, तो 1/900 आ रहा है ना। तो देखिए ध्यान देना बेटा, आर डैश पे स्क्वायर इक्वल टू 1/900, तो आर डैश इक्वल टू कितना आएगा बेटा, भाई देखो ना ये अंडर रूट में आ जाएगा, है ना, तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो चलो अंडर रूट में, तो मैं एक काम करता हूं ना, यहीं पे स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट में डाल देता हूं, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, लेकिन 900 का होता है बेटा 30, और क्योंकि प्लस माइनस दोनों में लेते हैं, बट ये आर डैश क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और पॉजिटिव का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे छोड़ सकते हैं। तो कितने सेंटीमीटर आपका आ गया, तो बेटा डी डैश कितना होगा डायमीटर, भाई इसका दुगना होगा, भाई 2 से 2 कर देंगे आर डैश को, सीधी सी बात है ना, यही करते हैं ना, तो 2 × 1/30, तो बेटे ये कितना आ गया 1/15 को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं, मतलब 1 को 15 से डिवाइड करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 0.67 आता है, इतने सेंटीमीटर अप्रोक्स, ठीक है। ओके, तो बेटा यही क्या है बेटा, यही तो थिकनेस है किस चीज की, वायर की, है ना। सो देयरफॉर या फिर हैंस द थिकनेस ऑफ वायर कितना आ गया बेटा, इज 0.67 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ओके, तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, इजी था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं लास्ट आई थिंक सो के लास्ट ही है ना,
हाँ बिल्कुल लास्ट जो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि पेज नंबर 250 एनसीईआरटी है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे सारे ही ऑलमोस्ट, बट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान दें क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहता है कि आ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज इंपैक्ड बाय अ पाइप एट द रेट इतना, यानी कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है ना, हेमिस्फेयर ऐसे होता है बेटा, तो ऐसा सा इस शेप का टैंक है कोई, और उसको खाली करने की जो रेट है उस कैसे खाली होता है बेटा, थ्रू अ पाइप, पाइप के थ्रू इसको खाली किया जाता है, और उसकी रेट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, जस्ट मिनट, कहता है कि रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको रेट दे रखी है कितनी बेटा, 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में इतना पानी खाली कर दिया जाता है ना, एक सेकेंड में इतना पानी खाली कर दिया जाता है। तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके, तो 7 * 21 = 25/7, तो 25/7 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड में खाली किया जाता है ना, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, यानी कि आपने ये बताना है कि इस टैंक को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ये आप बताइए, है ना। और साथ ही आपसे बोला गया है कि इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, अगर इसका डायमीटर 3 मीटर हो तो इसका आपको डायमीटर दे दिया है, आप उसको भी लिख लीजिए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, डायमीटर है इसका 3 मीटर, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2 मीटर, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपको अगर ये पता चल जाए कि बेटा 1 लीटर पानी को खाली होने में कितने सेकंड लगते हैं, तो आप इसमें देख लेंगे कि कितना पानी है और उस पानी को आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा टफ जरूर होता है बच्चों को जनरली लीटर वगैरह के क्वेश्चंस में, और जिसमें आपको ऐसा चाहिए एक स्पीड दे दी है वाटर फ्लो होने की, तो उसमें बच्चों को जनरली डाउट होता है, बट धैर्य रखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो मेरे को पानी खाली करना है उसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, यानी कि हाफ वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट हाफ वॉल्यूम ना, तो हाफ वॉल्यूम ऑफ टैंक है ना, तो बेटा देखो पूरा वॉल्यूम टैंक का क्या होता है भाई, 2/3 πr³ भी तो होता है पूरा वॉल्यूम, और हाफ कितना होगा 1/2 से, इसको कर दो इंटू, तो फिलहाल ये 2 से 2 भी बाय बाय हो चुका है, और बचा क्या 1/3 π। अच्छा पाई के लिए भी चेक कर लेते हैं, बोला है बेटा 22/7 लेने के लिए बोला है, तो 22/7 ले लीजिए आप, और r r फॉर रेडियस 3/2 आपको दे रखी है, तो 3/2 3 टाइम्स आएगी है ना, क्योंकि क्यूब है, ओके तो 1 3 भी कैंसिल हो गया है, हाँ 22/7 ही था, और फिलहाल ये भी यहाँ पे 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया है, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो चेक करेंगे बेटा 11 × 3 × 3 दैट्स इट, और अपॉन में कितना बचा है 7 × 2 × 2 ओके इतने मीटर क्यूब, भाई ये मीटर में ही तो आएगा, चेक कर लो क्योंकि आपको इसकी डायमेंशन मीटर में दे रखे ना, तो इतने मीटर क्यूब मतलब जो आधा पानी है जो खाली हुआ है, ठीक है, वो आधा पानी कितना बेटा, इतने मीटर क्यूब है। लेकिन एक समस्या है बेटे, समस्या क्या है कि बच्चों आपको लीटर में रेट दे रखी है, तो कहीं ना कहीं आपसे लीटर में इसको वाटर को निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 m³ इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1000 लीटर होता है ना, तो आप क्या करोगे सिंपल, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 11 × 3 × 3 / 7 × 2 × 2 और इंटू में 1000, तो इतने लीटर आ गया, है ना। चलिए अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे कि 2 से 5 और ये 2 0, फिर 2 से 25 और ये 1 0, ओके अभी फिलहाल और कुछ नहीं कट रहा,
तो अभी इतना ही रखते हैं बेटा, 11 × 3 × 3 × 250 और अपॉन में 7, इतने लीटर। अच्छा यहां तक बेटा किसी को डाउट है तो मेरे को अभी के अभी बता दे, और नहीं तो फिर मैं आगे। तो नाउ टाइम टेकन, कितना बेटा पानी एम्प्टी हो रहा था, 2 एम्प्टी आई थिंक 25 बाय कितना था, हाँ 25 बाय वो रखा है, 25 बाय 7 लीटर है ना। तो 25 बाय 7 लीटर इक्वल टू बेटा कितना था, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यही बोला गया था ना, पर सेकेंड में इतना लीटर पानी एम्प्टी हो जाता है ना। तो टाइम टेकन टू एम्प्टी, अब 1 लीटर अगर मैं देखू तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 25 बाय 7। तो अगले स्टेप में 7 ऊपर हो जाएगा, तो 7 बाय 25, ठीक है इतने सेकेंड, यानी कि इतने सेकेंड में 1 लीटर पानी। ठीक है, तो मेरे को कितने लीटर पानी, मेरे को इतने लीटर पानी के लिए टाइम बताना है भाई। 1 लीटर में इतना टाइम लगता है, तो इतने लीटर में कितना टाइम लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू एम्प्टी कितने, इतने लीटर, 11 × 3 × 3 × 250 बाय 7 लीटर इक्वल टू दिस इंटू दिस, भाई 1 लीटर में इतना लगता है तो इतने लीटर में कितना लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई ना करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 3 × 3 × 250 अपॉन में 7 और इंटू में 7 अपॉन में 25। भाई चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है ओके, अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 25 से 10 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या बेटा, बचा ये तीनों का प्रोडक्ट है ना। तो 11 × 3 × 3 यानी कि ये हो गया 9 × 11 तो 99 और 10 एज इट इज, इतने सेकेंड। भाई चेक कर लो इतने सेकेंड आ रहा है। अब यार जब 60 सेकंड से क्रॉस हो जाता है तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, सॉरी 100 से क्या 60 से डिवाइड करेंगे। तो 990 डिवाइडेड बाय 60 इतने मिनट, ओके। तो 0 से 0 कैंसिल और 3 से 2 बारी में और 3 से 33 और 33 भी फर्दर अगर मैं कैंसिल करूंगा 2 से तो 16.5 आएगा है ना, 16.5 का डबल होता है 32, तो इसका मतलब 16.5 मिनट आपको इस आधे टैंक को खाली करने में लग जाएंगे। और बच्चों उम्मीद करता हूं कि मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से बच्चों इसको नोट कीजिए और इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है और ये अपना इंट्रो कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपसे गुजारिश है कि 13.3 एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और चलो बाय बाय करने का समय आ गया। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।